NMIMS, one of the expensive college, and there are a lot of students who want to study in this because obviously placement hai, and there are a lot of things like fancy building and people outside Mumbai want to know about ki college kaisa hai. Obviously Mumbai ke bhi bachcho ko janna hai, and there is an entrance exam NPAT ka jo bhi ye courses dete hain. Now being a private college, there are a lot of factors that you have to consider. So guys, in this video, after getting reviews from more than 100 students, kya ye college worth it hai, क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, फैकल्टी कैसी है, एवरीथिंग इन डिटेल यू विल गेट टू नो इवन अबाउट द एनपैट एग्जाम 2023. सो मेक श्योर गाइस दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, make sure that you subscribe to my channel. Aur agar second, third time bhi ho, to bhi kar lo yaar. It's really important because I'll give you all the authentic and informative updates. You are watching this video because आपको ये साल एडमिशन लेना है और या आप प्लान कर रहे हो कि NMIMS में आप एडमिशन लेना चाहते हो. तो पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, विच इज NPAT. सो जो भी कोर्स आप करना चाहते हो NMIMS में, द UG कोर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, लेट मी टेल यू द एलिजिबिलिटी इज मिनिमम आपको 60% आपके 12वीं के बोर्ड्स में आने चाहिए. उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स. सो हाउ एंड वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द NPAT एग्जाम, लेट मी टेल यू. दिसंबर से रजिस्ट्रेशन खुल चुका है और ये मई तक खुला रहने वाला है, मई एंड तक. सो डू नॉट वरी, अगर नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि आपकी डेट निकल गई है या उससे कोई आपके एडमिशन को फर्क भी पड़ने वाला है. व्हेन यू विल गो ऑन देयर वेबसाइट व्हिच इज nmims.edu, वहां पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा. सो लेट मी रन थ्रू द इंपॉर्टेंट डेट्स व्हिच इज योर रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 21st May 2023, एंड दिस एग्जाम इज ऑनलाइन. आपको सेंटर पे जाके देना होगा, घर से नहीं देना है. तो ये अगर आप क्वेश्चन पूछने वाले हो तो प्लीज नोट इट डाउन कि घर से नहीं देना है, MCQ है जो आपको सेंटर पे जाके देना है. कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम स्टार्टेड फ्रॉम 4th of January और 31st May तक ये एग्जाम्स होने वाले हैं. बट यू हैव टू मेक श्योर कि 23rd May के पहले आप अपने एग्जाम स्केड्यूलिंग कर ले, बिकॉज उसके बाद आप अपना एग्जाम स्केड्यूल नहीं कर पाओगे. सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे फॉर NPAT. होप यू नोटेड. अगर नहीं है तो फिर से रिवाइंड कर लो या फिर लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो. जो बच्चे मुंबई से नहीं है, प्लीज डू नॉट वरी, यू कैन गिव द एग्जाम फ्रॉम द टेस्ट सिटीज का एक लिस्ट दिया गया है. 23 स्टेट्स आर देयर. जो भी स्टेट से आप हो वहां का आप सेंटर देख लीजिए. मेजरली आपके कैपिटल सिटी में ही होगा आपका जो सेंटर है. तो यू कैन गो चेक दिस लिस्ट ऑफ सिटीज इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट. और जो ये NPAT एंट्रेंस है, ऐसा नहीं है कि मुंबई का अलग है, नवी मुंबई का अलग है या पुणे का अलग है. जहाँ पे भी आपका NMIMS कॉलेज है, आपके मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है. सो NPAT जो है विच गिव्स यू एन एलिजिबिलिटी टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द NMIMS. Now let me tell you the courses that they offer, which is commerce, जहाँ पे आप कर सकते हैं BBA, BSc Finance, BCom Honors. Second comes your economics में BSc Economics available है. Then comes liberal arts, BA Honors in liberal arts. That is a degree name. I'm telling you, all the degree is private. ये कोई university degree नहीं है. NMIMS is a private college which gives you a private degree. Now branding and advertising. So students who want to study advertising rather than BMM, you have this option which you can do BBA branding and advertising. I'll tell you about the review of this course is also kaun sa course best hai, because there is international studies which is BBA international studies. Most of the students are really interested in this particular course, but seat limited hai to thoda sa fight ho jata hai Mumbai ke NMIMS mein milne ke liye. So that is one thing, and they have introduced a new course which is like comparatively new, which is BBMM management course. इनका नया कोर्स है. जबकि आपको किसी भी कोर्स में नहीं मिलता है तो आपको बोलते हैं BBMM में ले लो. ऐसा बच्चों के साथ हुआ है. So let me tell you, with NMIMS in Mumbai, I'm talking about specifically Mumbai campus की review में आपको दे रहे हूँ इस video में. So Mumbai campus का जो है, students have given mixed review because उनका कहना है कि management बहुत ही ज़्यादा खराब है. But when you talk about the courses, at times ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने 3 लाख पर एनम की फीस भर के उनका जो लेक्चर है वो होता है दूसरे किसी कॉलेज में, NMIMS के बिल्डिंग में भी नहीं होता है. बिकॉज दे फोकस मोर ऑन MBA स्टूडेंट वेयर दे आर चार्जिंग मच मोर, विच इज 18 लाख पर एनम. और रही बात UG के कोर्सेज, बच्चों को दूसरे कॉलेज में भेज दिया जाता है, लाइक NM या फिर UPG या फिर मिठीबाई जो कि उनके ही सिस्टर कॉलेज है. सो उसके चलते बच्चे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है. हम कोर्स और इसके डिटेल में बात करेंगे. लेट मी स्टार्ट विद द एक्चुअल रिव्यू अबाउट द फीस. सो आपके जो ग्रेजुएशन की फीस है वो मिनिमम 3 लाख है पर एनम, और अगर आप MBA की बात करें तो उसकी जो फीस है वो है मिनिमम 15 to 18 लाख पर एनम.
टॉकिंग अबाउट द क्राउड, क्राउड इज क्वाइट गुड, मतलब डिसेंट क्राउड है, काफी अच्छा है. ऑब्वियसली इतने पैसे भरो उसके बाद ये एंट्रेंस क्लियर करके अगर आप कॉलेज में आओगे तो क्राउड तो अच्छा ही होगा ना. सो आई वुड से क्राउड इज रियली गुड इन दिस कॉलेज, एटलीस्ट लाइक यू नो NMIMS मुंबई वाला. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स अमेजिंग, देर इज स्मार्ट बोर्ड, AC, एवरीथिंग इज देयर. सो एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इनके कॉलेज फेस्ट की अगर हम बात करें तो वायु इज़ द पॉपुलर फेस्ट दे हैव. बाकी स्मॉल फेस्ट है डिपार्टमेंट वाइज बट वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. उसी के चलते अगर हम कैंपस लाइफ की बात करें तो अच्छी खासी बिल्डिंग तो है, ग्लास की बहुत ही फैंसी सी दिखती हुई, बट कैंपस लाइफ नहीं है. सो ऑब्वियसली इज जस्ट वन बिल्डिंग, नॉट कैंपस कैंपस जो कि कॉलेज में होता है. सो यू कैंट एक्सपेक्ट कैंपस एज सच. हॉस्टल और PG, NMIMS का अपना खुद का हॉस्टल है, मतलब आउटसाइड द कैंपस थोड़ा सा पीछे साइड पे, जहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है NMIMS के स्टूडेंट को. इट्स अ मिक्स ऑफ UPG, मिठीबाई, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे रह सकते हैं. बट येस दे डू हैव हॉस्टल, बट पीपल प्रेफर स्टेइंग यू नो इन एंड अराउंड द एरिया जहाँ पे PGs काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कैंटीन, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में कैंटीन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. इट इज़ रियली नाइस, फैंसी बट वेरी एक्सपेंसिव, सो स्टूडेंट प्रेफर गोइंग आउट एंड ईटिंग. टॉकिंग अबाउट हाउ स्ट्रिक्ट दे आर विद अटेंडेंस एंड ओवरऑल, सो इफ यू टॉक अबाउट देयर ड्रेसिंग एंड ऑल, ऑब्वियसली एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट यू हैव टू बी क्वाइट पर्टिकुलर एंड एवरीथिंग. अटेंडेंस 75% तो चाहिए चाहिए. ओवरऑल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है बट है भी, सो इट्स लाइक यू विल हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्लेसमेंट, जो कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम प्लेसमेंट इतने पैसे भरने के बाद तो मिलनी चाहिए. येस आपको प्लेसमेंट मिलती है इफ़ यू आर डूइंग रियली गुड एंड प्लेसमेंट सेल भी है उनका, तो येस प्लेसमेंट के लिए आई विल गिव इट लाइक थम्स अप. इंटर्नशिप मिलती है नहीं भी मिलती है, मतलब प्लेसमेंट तो फॉर श्योर है बट इंटर्नशिप डिपेंड्स, कभी मिल जाएगी कभी नहीं मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, क्या ये कॉलेज वर्थ इट है? सो बच्चों का ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू देयर फीस इट्स नॉट ऑल वर्थ इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ही खुद से सब कुछ करना है. सो मिठीबाई से भी आप जाके कर सकते हो, बट अगर मनी प्रॉब्लम नहीं है एंड यू वॉन्ट अ गुड एंड अ बेटर फैसिलिटी, देन दे आर सेइंग कि येस फैकल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दे आर रियली सुपर्ब एंड ग्रेट, दे आर quite well experienced. So faculty ke liye again thumbs up. There are a lot of things which is really good about NMIMS, the way they boost your confidence. But ek cheez aur main aapko mention karna chahungi, guys, during counseling I have met students who have got admission in best of the colleges and regretting. Reason is they didn't pick up a right course for themselves. So agar aap bhi confused ho, please watch my videos or you know join my live. I can answer your questions or you can book a one-on-one counseling session with me, taki aap mistake na karo, because after wasting 1 year and you know 1.5-3 lakh fees, it's not worth it यार. उसके पहले अगर आप सही से अपना mind makeup कर लोगे you will not regret at all. So I can help you with that. So for that you can reach out to my team. There's a number in the description box. उस पर just एक WhatsApp message कर दीजिए. My team will get back to you with all the details. Indeed, there's an scope of improvement by the management, जिसके बहुत ही ज़्यादा negative review आए हैं ये बोल के कि management बहुत ज़्यादा rude है, उसे बेहतर होने की ज़रूरत है. तो if NMIMS का management watching this video, let me tell you, students are not saying this on your face, but you are really rude. And secondly, there are lot of hidden charges. इतने पैसे भरने के बाद भी हर चीज़ के लिए पैसा लिया जाता है बच्चों से, which is really disappointing. So yes guys, ये negative factors हैं. रही बात ये कॉलेज मैं recommend करूँगी कि नहीं पर्सनली, आई वुड से गाइस देयर आर फ्यू कोर्सेज व्हिच आर रियली गुड. लाइक इनका जो BBA कोर्स है आई वुड रेकमेंड दैट, बट जो BBMM है और जो नए कोर्सेज हैं वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि आप अपने लिए सही कोर्स चूज करें. ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग भी काफी हद तक अच्छा कर रहा है, तो ये सारे कोर्सेज आप ऑप्ट करें बट अपना इंटरेस्ट भी देखें. जस्ट कॉलेज या ब्रांड नेम के लिए यू नो कोर्स ले लेना इज नॉट एडवाइजेबल. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो यू सो जस्ट मेक श्योर बिफोर टेकिंग एडमिशन यू हैव गॉट द राइट कोर्स फॉर योर सेल्फ. बस उतना आपको ध्यान में रखना है. बाकी ओवरऑल कॉलेज ठीक है, वर्थ द मनी बच्चों का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ज़्यादा ये चार्ज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फीस दे आर चार्जिंग इज नॉट वर्थ इट. मुंबई आना चाहिए कि नहीं? मुंबई का कैंपस बेस्ट है, तो मैं कहूँगी यार एक्सपीरियंस के लिए आ जाओ. अगर आप अच्छा मैनेजमेंट कोर्स पढ़ना चाहते हो और मनी इज नॉट एन इश्यू विद यू, देन येस गो विद द इंटरनेशनल बिजनेस और BBA. ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग ये सारे कोर्सेज अच्छे हैं एंड येस यू कैन गो अहेड विद दैट.
एंड में एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी जो कि मेरे से मिस हो गया अबाउट द सिलेबस एंड द करिकुलम. गैस करिकुलम काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, अच्छा है, बट एक ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, ये जब मर्जी चाहे ये चेंज कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है. सो यू नो इट इज़ क्वाइट डायनामिक एंड कीप ऑन चेंजिंग विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग द स्टूडेंट. तो ये एक और छोटा सा ड्रॉबैक है. तो फैकल्टीज अच्छी हैं बट वो मैनेज कर लेते हैं. सो ओवरऑल गैस दिस वॉज द रिव्यू ऑफ NMIMS मुंबई एंड NPAT के डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए. आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो एंड इट वॉज इन्फॉर्मेटिव. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, या तो लाइव ज्वाइन करो या तो गेट द कंसल्टेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच अमेजिंग रिव्यूज ऑन मीडिया मेंटर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.